रंग आमने सामने हैं। तनाव का माहौल इस वक्त यहां पर बना हुआ है। जी हां, तनाव का माहौल करनाल में बना हुआ है। जी हां, दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर यहां पर डटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तनाव का माहौल यहां पर, और पुलिस से धक्का मुक्की होती हुई, कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, लाठीचार्ज का माहौल यहाँ पर बनता हुआ, और किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने दुक्का जो यहाँ पर दिव्यांग थे उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की है। जी हाँ, तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पर दिव्यांगों को की है। पुलिस ने पकड़ लिया है जो लोग यहाँ पर धरने पर आए थे, दिव्यांग धरने पर आए थे, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है और दिव्यांगों को यहाँ पर उठा उठा कर साइड में करने की पूरी कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। और देखिए जो लोग यहां पर धरने पर आए हुए थे उन्हें किस तरीके से धक्के देकर यहां से निकाला जा रहा है। जी हां, खदेड़ा जा रहा है पुलिस की ओर से ऐसे लोगों को जो यहां पर आए हुए थे, और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। जी हां, दिव्यांगों का धरना था और उस धरने में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे और उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस ने, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ये ऐसे लोग थे जो दिव्यांगों के धरने पर आए हुए थे ये लोग, और इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी हाँ, हिरासत में ले लिया है ऐसे लोगों को जो दिव्यांगों के धरने पर आए हुए थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखे वो इसे शेयर कर दें। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वो लोग हैं जो दिव्यांगों के धरने पर आए हुए थे, और इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है करनाल से, किस तरीके से दिव्यांगों का धरना यहाँ पर चल रहा था, पंचकुला की ओर कूच करना था दिव्यांगों को आज, और किस तरीके से अब दिव्यांगों के धरने पर जो लोग आए थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर, हिरासत में ले लिया है पुलिस ने कुछ लोगों को। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में दिव्यांग इकट्ठे हुए थे भारी संख्या में पंचकुला रवाना होने के लिए, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सामने भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है ताकि एक भी दिव्यांग आगे कदम ना बढ़ाया जा पाए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आपको बता दें कि लगभग 3 महीने से दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र करनाल में डटे हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को नहीं माना गया। लेकिन आज जब दिव्यांगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो उसी दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में जिला सचिवालय के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है ताकि दिव्यांग आगे कदम ना बढ़ा पाए। देखिए किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग यहाँ पर कर रखी है ताकि दिव्यांग आगे कदम ना बढ़ा सके। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखे वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। लगभग 3 महीने का समय होने वाला है, दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए, लेकिन आज जब दिव्यांग मुख्यमंत्री से बात करने के लिए करनाल से निकलने वाले थे तो उसी दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करनाल में कर दिया जाता है, और किस तरीके से बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से माहौल जो है वो थोड़ा सा गर्मा गर्म हो गया है, क्योंकि पिछले कई महीनों से दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर यहां पर डटे हुए थे। एक तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दिव्यांग भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और दिव्यांग आमने सामने हो चुके हैं। जी हां, पुलिस और दिव्यांग आमने सामने हैं। जी, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर यहां पर डटे हुए थे पिछले कई महीनों से, लेकिन एक बार फिर से जब वो चंडीगढ़ की ओर रवाना होने लगे तो पुलिस ने बैरिकेड करके उन्हें रोक लिया, और पुलिस और दिव्यांग आमने सामने हो चुके हैं। जी हाँ, पुलिस और दिव्यांग आमने सामने हैं। तनाव का माहौल इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है। जी हाँ, तनाव का माहौल करनाल में बना हुआ है। जी हाँ, दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तनाव का माहौल यहाँ पर, और पुलिस से धक्का मुक्की होती हुई पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, लाठीचार्ज का माहौल यहाँ पर बनता हुआ, और किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने दुक्का जो यहाँ पर दिव्यांग थे उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की है। जी हाँ, तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पर दिव्यांगों को की है। पुलिस ने पकड़ लिया है जो लोग यहाँ पर धरने पर आए थे।